तो गाइस अगर आप भी यहाँ पे MIUI 13 का वेट कर रहे थे तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, क्योंकि आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले MIUI 13 के कुछ न्यू सिस्टम ऐप अपडेट्स निकल के आए हैं उसी के बारे में। बहुत सारे अमेजिंग न्यू फीचर देखने को मिलेंगे गाइस इस न्यू ऐप अपडेट्स में, तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। चैनल पर कहीं से भी न्यू आ गए हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास, बेल आइकन को दबा दे और हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर जल्दी से ज्वाइन करे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जाकर जल्दी से फॉलो कर ले गाइस, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऐप अपडेट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, तो आपको अपडेट करना है तो आपको टेलीग्राम चैनल पे विजिट करना पड़ेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे गाइस चार न्यू ऐप अपडेट्स निकल के आते हैं बहुत ही कूल एंड अमेजिंग, तो आज के इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे गैलरी का ऐप अपडेट देखने को मिल जाता है जिसमें कुछ भी न्यू यहाँ पे नहीं है MIUI 13 में, बस आपको न्यू लेआउट देखने को मिल जाता है। यहाँ से देख सकते हैं साइड वाला बॉर्डर और इस साइड वाला जो बॉर्डर है उसको थोड़ा कंजेस्टेड की टाइप यहाँ पे कर दिया गया है। फिर नीचे में ऑल एंड कैमरा वाला, ये तो आपको पहले से ही देखने को मिलता था, तो कैमरा का अलग टैब और ऑल का अलग टैब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है गाइस। उसके बाद अगले चेंज के बारे में मैं बात करूं तो अगला चेंज आपको ये देखने को मिल जाता है ट्रैश बिन, ट्रैश और क्लीनर, ये तीनों ऐसे ऐसे करके हॉरिजॉन्टली प्लेस थे बट अब इसको वर्टिकली यहाँ पे प्लेस कर दिया गया है यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मैप देखने को मिल जाता है, जो भी फोटो आप जहाँ पे क्लिक किए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। खैर ये तो ओल्ड यहाँ पे फीचर था, बहुत पुराने गैलरी के अपडेट में ये आया था बट मैं यहाँ पे आपको बता दिया अगर आपने नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बाकी कुछ भी न्यू नहीं है। यहाँ पे सिलेक्ट बेस्ट फोटो यही सब आपको देखने को मिल जाता है और यही आपको गैलरी का अपडेट देखने को मिल जाता है गाइस। एडिटर यहाँ पे आपको न्यू देखने को मिलता है, नहीं देख सकते एडिटर यहाँ पे आपको न्यू देखने को नहीं मिला। ये मेरा MIUI 12.5 एंड्रॉइड 10 है, इसलिए अगर आपका MIUI 12.5 एंड्रॉइड 11 होगा तो यहाँ पे आपको न्यू एडिटर देखने को मिलेगा जहाँ पे इसमें यहाँ पे AI और यहाँ पे बेसिक करके यहाँ पे होगा। देख सकते हैं मेरे में अपडेट दिखा रहा है पर मैंने इसे डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड करूंगा तो मेरे में भी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपका बेसिक कंट्रोल और यहाँ पे आपका AI एडिटिंग का वो फीचर दिया रहेगा। तो देख सकते हैं गाइस ये हो गया आपका गैलरी के बारे में। अब बात करें यहाँ पे दूसरे अपडेट के बारे में, तो वो है सिस्टम UI प्लगइन का। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना ही इंस्टॉल करें तो बेटर होगा गाइस आपके MIUI 12.5 वाले डिवाइस में, वरना आपका डिवाइस ब्रिक कर सकता है। ये जो सिस्टम UI प्लगइन है ये सिर्फ MIUI 13 डिवाइसेस के लिए है यहाँ पे, ताकि उनका ये न्यू कंट्रोल सेंटर यहाँ पे देख सकते हैं आ सके। तो फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं जब आप इस सिस्टम UI प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको न्यू म्यूजिक का और मी स्मार्ट हब देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये चाइना वाला MIUI सिस्टम प्लगइन है इस वजह से गाइस। अगर आप ग्लोबल वाला करेंगे तो आपको नॉर्मल ऐसा देखने को मिलेगा MIUI 13 का ये कंट्रोल सेंटर और साथ ही साथ यहाँ पे म्यूजिक बार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया गाइस आपका सिस्टम लॉन्चर का अपडेट है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, उसी सब में बग फिक्स करके इसको फिक्स किया गया। फिर आपको अल्फा लॉन्चर का न्यू अपडेट देखने को मिल जाता है गाइस, जिसमें आपको विजेट्स का थोड़ा इम्प्रूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देना चाहता हूँ, देख सकते हैं गाइस इस वीडियो को, अब विजेट्स को आप आराम से यहाँ पे होम स्क्रीन पर ला सकते हैं। ये आपका न्यू अल्फा लॉन्चर का अपडेट देखने को मिल जाता है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने MIUI 12.5 और एंड्रॉइड 11 डिवाइसेस में। एनिमेशंस भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यही था गाइस 2 सेकंड का वीडियो मेरे को देखने को मिला है, जिसमें आप विजेट्स को यहाँ से यहाँ अब ऐप वर्ल्ड से होम स्क्रीन पर ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा गाइस आपका MIUI लॉन्चर का। बाकी इसके अंदर में होम स्क्रीन सेटिंग में भी आपको कोई न्यू फीचर देखने को नहीं मिलता है, बाकी सब जैसा था वैसा ही आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने तो फिलहाल अनइंस्टॉल किया हुआ है बट यहाँ पे आपको बाकी सब सेम नॉर्मल जैसा था वैसे ही देखने को मिल जाता है। -1 ऐप वर्ल्ड और गूगल डिस्कवर, सिस्टम नेविगेशन, फिल सेल्स ऑफ अनइंस्टॉल एप्स और बाकी यही सब आपको देखने को मिल जाता है गाइस। उसके बाद बात करें यहाँ पे अगले अपडेट के बारे में, तो ये आपको कैमरा का अपडेट देखने को मिल जाता है जिसे गाइस एक्सट्रैक्ट किया गया है। ये कैमरा का ऑफिशियल अपडेट नहीं है, MIUI 13 के फ्लैगशिप डिवाइस में से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है, जिसमें आपको चेंज देखने को मिल जाता है जो कि आपका MIUI 13 वाले अपडेट में देखने को मिलेगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस आपको MIUI 13 में आपको क्या चेंज देखने को मिलता है,
तो यहाँ पे मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये जो था ये जूम वाला, ये आपका पहले ट्रांसपेरेंट था और उसको यहाँ पे अब बोल्ड कर दिया गया है। न्यू कैमरा अपडेट ये इसमें यही किया गया, और जो थोड़ा बहुत लैग और जिटरनेस जैसा फील आता था उसको यहाँ पे कम किया गया है। देख सकते हैं ये नॉर्मल कैमरा का अपडेट है। अपने फोन में जाकर चेक करेंगे तो यहाँ पे ये जो जूम बार होगा ये आपका ट्रांसपेरेंट होगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं अब इसको बोल्ड कर दिया गया है और थोड़े बहुत बग फिक्स कर दिए गए हैं। एंड्रॉइड 12 MIUI 13 का ये कैमरा अपडेट देखने को मिल जाता है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं चाहे तो, अगर आपके डिवाइस में सपोर्ट कर रहा है तो। MIUI 12.5 या एंड्रॉइड 11 मस्ट है गाइस, अगर आपको इसे इंस्टॉल करना है तो। तो देख सकते हैं गाइस यही हो गया, कुछ न्यू सिस्टम ऐप अपडेट्स निकल के आया था, मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो अगर आपने डाउनलोड करना है इनमें से कोई भी तो यहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो जाके चेकआउट कर लीजिए गाइस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे और हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर जल्दी से ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। हमें इंस्टाग्राम पे भी जाकर जल्दी से फॉलो कर ले गाइस, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।